शिवपुरी के बैरार थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम ऊंची वरोद में खेत पर सरसों काट रहे पिता पुत्र पर चार लोगों ने हमला कर दिया है। वहीं घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार मानू रजक पुत्र सीताराम रजक उम्र 25 साल निवासी ग्राम ऊंची बरोद, सीताराम रजक पुत्र कुती रजक उम्र 54 साल निवासी ग्राम ऊंची बरोद ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते हमारी बहने में से मारपीट की गई। वहीं एक माह बाद लड़के की 21 मई को शादी है। हम लोग खेत पर सरसों काट रहे थे, तभी अचानक चार लोग आए और लाठी डंडे से फरसा से मारपीट कर दी। वहीं हमला करने वालों में सरवन रजक, कपिल रजक, लवकुश रजक, मलखान रजक थे। क्या नाम है तुम्हारा? मानू रजक। कहाँ से आए हो? ऊंची बरोद। क्या कुछ घटना हुई है आपके साथ? मैं और पापा खेत पर काम कर रहे थे, वो अचानक आ गए सरवन और कपिल, मलखान, लवकुश, इन्होंने हमला कर दिया हमारे ऊपर कुल्हाड़ी से। कौन है ये? कौन ये लोग जो आपने नाम बताया, कौन है ये? ये हमारे भैया बंदी है, रजक ही है ये भी। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर क्या, हम सरसों ढो रहे थे, अचानक हमला कर दिया तो कुल्हाड़ी दे दी यहाँ पर, जिससे पट गया और इसमें दे दी और जो फिर गैरोस हो गया, तो उसके बाद ही मारा कुटी करी तो ये पैर फ्रैक्चर हो गया जी। तो मारने के पीछे कोई कारण? कोई कारण नहीं था। फिर मारा क्यों उन्होंने? वो तो अचानक ही आए, पिछली पुरानी रंजिश भी थी थोड़ी। किस प्रकार की पुरानी रंजिश? पहले भी गाली गलौज करते थे। इसकी तो शिकायत वगैरह? बिल्कुल कराई शिकायत, हमारे पास पूरा प्रूफ होगा, लेकिन पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। बैराड़ थाना। तब की बात है जी थी कल की, 2 मार्च की 11:30 के लगभग। कल की बात है। किस किस को चोट आई है? मुझे और पापा को। कहाँ पे आई है उनके यहाँ? उनके यहाँ पे पापा के यहाँ पाँव में लगी है कुल्हाड़ी, सिर में भी लगी। कितने लोग थे टोटल मारने? वो चार थे। चार लोग थे तो कोई निजी, कोई पुराना कैसा, क्या वो था आपका? पुराना जी था कि वो गाली देते थे पहले मम्मी से, तो हमने जिसके मतलब उनको समझाया कि आप गाली क्यों देते, तो दोबारा भी मारपीट करी उन्होंने वो अगस्त में, अगस्त के महीने में। तो इस बार क्यों फिर आपकी ये मारपीट करी? पता नहीं सर, कोई पता नहीं है। शिकायत कर दी पुलिस से? बिल्कुल कर दी शिकायत, लेकिन पुलिस वाले ज़्यादा एक्शन नहीं लेते।